नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विद आलोक में। सामान्य विज्ञान विषय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं राजकुमार। दोस्तों, इसके पहले हम लोग हार्मोन और ग्लैंड को पढ़ रहे हैं और हार्मोन और ग्लैंड को पढ़ने के सीक्वेंस में इसके पहले हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ा और आज मैं हार्मोन और ग्लैंड से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने लाया हूं, जिसे हम कहते हैं थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। जी हाँ दोस्तों, यहां से आने वाले हर प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से कवर करेंगे। और ध्यान रहे, एक्सोथर्मिक ग्वाइटर कैसे होता है, ग्वाइटर कैसे होता है, मिक्सिडिमा क्या है, हाशिमोटो डिजीज क्या होता है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कैसे होता है या फिर बीएमडी क्या है, तो यहां से लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और दोस्तों, हम इसको इतनी आसानी के साथ पढ़ेंगे कि यहां से आने वाला एक भी प्रश्न आपके क्लासरूम से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान देना, ये वीडियो दोस्तों, ये क्लास केवल पीसीएस के लिए समर्पित है। और फ्रेंड्स, आप ध्यान दीजिएगा, हमारे ऑनलाइन बैचेस, पैड बैचेस भी स्टार्ट है। अगर आपको पीसीएस के बैचेस ज्वाइन करना है तो एंट्री यूपी पीसीएस लिख करके, अगर आपको यूपी पीसीएस की बैचेस को ज्वाइन करना है, पेड बैच ज्वाइन करना है, तो आपको यूपी एंट्री यूपी पीसीएस लिख करके 9918000454 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना होगा। जी हाँ दोस्तों, और व्हाट्सएप करते ही हमारी काउंसलिंग टीम बहुत ही जल्द आपसे संपर्क करेगी और एडमिशन प्रोसेस के बारे में सारी जानकारियां आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज हम पढ़ेंगे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये ग्रंथियां होती क्या है और ग्रंथियां होती कहां पर हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले थायराइड ग्रंथि और ये जानेंगे कि थायराइड ग्रंथि क्या है, कहां है, इससे निकलने वाले हॉर्मोन कौन कौन से होते हैं या इससे रिलेटेड कौन कौन डिजीज हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं और कैसा इफेक्ट डालते हैं, ये सारे पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, थायराइड ग्रंथि जिसको हम कहते हैं अवटु ग्रंथि, इसे हम कहते हैं अवटु ग्रंथि या इसे कहते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और अगर इसके पहले की क्लास आपको देखनी है, सीक्वेंस में देखना है, इसके पहले भी मैंने पीनियल ग्लैंड पढ़ा दिया है, इसके पहले दोस्तों आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ाया गया है, वह भी आप क्लास देख सकते हो। तो सबसे पहली बात, थायराइड ग्लैंड है कहां पर, यह होती कहां पर, इसके बारे में क्या विशेषता है। देखिए, पहले मैं इसकी विशेषता बता दूं आप लोगों को। दरअसल हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं और ग्रंथियों की बात की जाए तो प्रश्न ये बनता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो हम कहते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। फिर क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी वायुस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तब भी हम कहेंगे यकृत यानी लीवर। और सबसे छोटी वायुस्रावी यानी सबसे स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो हम बताते हैं वो स्वेद ग्रंथि होती है जो पसीने का, जो सीवेम का सिक्रेशन करती है, स्वेट का सिक्रेशन करती है। तो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड भी लीवर होती है और सबसे लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड भी लीवर होती है और सबसे स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड स्वेद ग्लैंड होती है जो स्वीट को बाहर निकालती है, पसीने को बाहर निकालती है। फिर क्वेश्चन बनता है सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तब भी हम कहेंगे स्वेद ग्रंथि। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी स्वेद ग्रंथि होती है। अगर क्वेश्चन बनता है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो पीनियल ग्रंथि और उसके बाद होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो जी हां दोस्तों, यही पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं। तो ध्यान देना, जो अवटु ग्रंथि है वो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है,
यह होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड ग्लैंड यानी कि आवटू ग्रंथि होती है। क्लियर। अब यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां होती है या होती कहां है? तो हम लोग कहते हैं गले में होती है। भाई गले में तो होती है, बट गले में कहां होती है, यानी अगर ये गले में होगी तो गले में कहां होती है, यह पॉइंट दोस्तों बनता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन एक्चुअली में कहां होती है। तो देखें फ्रेंड्स, ये होता है हमारा ट्रैकिया, ये होता है हमारा ट्रैकिया, इसके नीचे ट्रैकिया होगा और ऊपर क्या होगा, इस भाग को हम कहते हैं लैरिंग्स, यानी इस भाग को हम कहते हैं कंठ। ये लैरिंग्स है यानी कि कंठ है या साउंड बॉक्स होता है। और फ्रेंड्स ठीक इसके नीचे होती है ट्रैकिया यानी कि श्वास नली। ठीक इसके नीचे क्या होती है, ट्रैकिया होती है यानी कि श्वास नली होती है। तो हमें पॉइंट्स ये देखना है कि हमारी ये थायराइड ग्लैंड कहां पर होती है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहां होती है। तो ध्यान दीजिएगा ये होती कहां पर है, बिल्कुल ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में, ट्रैकिया और लैरिंग्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है जिसका नाम है इस्थमस। तो एक कार्टिलेज है जिसका नाम क्या होता है, इस्थमस। और इस्थमस से जुड़ी हुई दो थायराइड ग्रंथियां होती हैं, ठीक इस प्रकार से दो थायराइड ग्लैंड होती है जो कि इस्थमस से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। वो इस प्रकार से होती है, इसकी लोकेशन आपको बता रहा हूं, इसकी लोकेशन कहां होती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इस थायराइड ग्लैंड की, तो ध्यान देना ये लैरिंग्स हो गया और ये क्या हो गया, ट्रैकिया हो गया, श्वास नली हो गई, ये हो गया ट्रैकिया। तो लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में दो थायराइड ग्रंथियां होती हैं और दोनों थायराइड ग्रंथियां एक उपास्थि यानी कि कार्टिलेज से जुड़ी होती हैं। और इस उपास्थि का नाम क्या है, इस उपास्थि का नाम है इस्थमस। इस उपास्थि का नाम क्या होता है, इस्थमस होता है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यही वो ग्रंथियां होती हैं और ये क्या होती है, ये होती है बायोबेड होती है, द्विपिंडकी होती है, बायोबेड होती है, तो दो होती हैं। ठीक, अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछता है कहां होती है, तो ध्यान देना हम कह सकते हैं कि ये हमारी अवटु ग्रंथि, ये हमारी अवटु ग्रंथि कंठ यानी कि लैरिंग्स, कंठ व श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, कंठ व श्वास नली के बीच द्विपिंडकीय या द्विपिंडीय जिसको हम कहते हैं बायोबेड, द्विपिंडकी यानी कि बायोबेड होती है जो इस्थमस, किससे हम कह सकते हैं कि जो इस्थमस उपास्थि से जुड़ी रहती है, आपने इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखी, ये बायोबेड होती है, द्विपिंड की होती है और इसके बीच में क्या होता है, इस्थमस एक उपास्थि होती है और इसी उपास्थि से ये जुड़ी होती है, ऊपर लैरिंग्स है और नीचे क्या है, ट्रैकिया है। तो संख्या आप लोग देख रहे हैं किसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या होती है दो, तो ये दो होती है, बायोबेड होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों हमने क्या देखा, इसकी संख्या देखा और इसकी जो स्थिति होती वो देखा। अब देखें कुछ पॉइंट्स यहां पर और बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कभी कभी पूछता है कि इसका आकार या इसका वजन कितना होता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
इसका जो वेट है वो फीमेल में कुछ डिफरेंट होता है और मेल में कुछ डिफरेंट होता है, इसलिए यहां से पॉइंट्स जरूरी होते हैं। तो अगर बात की जाए संख्या की, तो संख्या इसकी दो है। संख्या इसकी कितनी होती है? दो होती है, बायोबेड है ये। फिर पॉइंट बनता है कि वजन, आखिर अवटु ग्रंथि का वजन कितना होता है? तो ध्यान देना 25 ग्राम से 30 ग्राम, इसका जो वजन होता है वो 25 ग्राम से 30 ग्राम होता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, महिलाओं में अधिक वजन, जो महिलाओं में होता है इसका वजन अधिक होता है। तो देखिए इसका वजन महिलाओं में यानी फीमेल्स में पहले से ही अधिक होता है सामान्य अवस्था में। लेकिन एक पॉइंट्स और बन सकता है कि प्रेगनेंसी में क्या होता है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेग्नेंसी में इसका वेट होता है और भी बढ़ जाता है। तो प्रेग्नेंसी में इसका वेट थोड़ा सा और भी बढ़ जाता है, और सामान्य अवस्था की अगर बात करें तो फीमेल में ये थोड़ा सा अधिक वजन की होती है मेल के अकॉर्डिंग, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इसका वजन ज्यादा होता है। एक पॉइंट बनता है, जैसे मान लीजिए हम तो जब जब व्यक्ति बड़ा होता है तो हम उसके सेक्स की पहचान कर लेते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। पॉइंट से बनता है कि अगर कोई चाइल्ड है, कोई बालक है, कोई बच्चा है, तो उस चाइल्ड को हम कैसे पहचानेंगे कि वो मेल है कि फीमेल है। तो चाइल्ड की पहचान के लिए बहुत ही जरूरी है, देखिए होता यह है कि जो बच्चे होते हैं, जिसको हम कहते हैं जो बालक होते हैं, जो लड़के होते हैं, लड़कों में क्या होता है, ये बाहर की ओर उभरा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार से उभरा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन लड़कियों में क्या होता है, ये उभरा हुआ नहीं होता बल्कि ये सपाट होता है, कम उभरा होता है। तो देखिए जिसमें अधिक उभरा हुआ होता है, ये थोड़ा सा बाहर की ओर निकला होता है, तो हम कहते हैं ये क्या है, मेल है, यानी कि ये बालक है, बच्चा, ठीक है, वो क्या होता है, मेल बालक होता है, वो लड़का होता है। लेकिन लड़कियों में क्या होता है, ये सपाट होता है। तो सपाट का मतलब ये हम पहचान कर लेते हैं, यानी कि बचपन में लिंग की पहचान हम थायराइड ग्रंथि से कर सकते हैं, थायराइड ग्रंथि के द्वारा ही कर सकते हैं। अगर थायराइड ग्रंथि अधिक निकली हुई है इस तरह से, तो हम कह सकते हैं वह क्या है, वह जो है लड़का है। अगर कम निकली हुई सपाट है तो कहते हैं लड़की है। तो बचपन में हम लिंग की पहचान भी इससे हम कैसे कर सकते हैं। इतने पॉइंट्स, तो फ्रेंड्स इतने पॉइंट्स आपने देखे इस थायराइड ग्लैंड से, और इसके बाद और कौन से पॉइंट्स यहां से बन सकते हैं हम वहां डिस्कस करने वाले हैं आपसे। देखिए अब पॉइंट बनता है कि इससे कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो अगर हार्मोन की बात की जाए तो थायराइड ग्लैंड से कुल मिलाकर के दो हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अगर हार्मोन की बात की जाए तो यहां से दो टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन होता है, क्योंकि यहां पे दो सेल होती है, एक होती है फॉलिकल सेल, एक क्या होती है, एक होती है फॉलिकल सेल, फॉलिकल सेल से दूसरा हार्मोन निकलता है, और एक होती है सी सेल, सी सेल से कोई अदर हार्मोन निकलता है। तो अगर बात करें हम फॉलिकल सेल से निकलने वाले हार्मोन की, तो दोस्तों फॉलिकल सेल से निकलता है थायरोक्सिन, ठीक। इसके फॉलिकल सेल से क्या निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, थायरोक्सिन कहां से निकलता है, थायरोक्सिन निकलता है फॉलिकल से, सेल से। फिर वही बात, यह बात आती है कि आखिर सी सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो ध्यान देना सी सेल से एक ऐसा हार्मोन निकलता है जो पैराथायराइड ग्रंथ से निकलने वाले पीटीएच हार्मोन्स के अगेंस्ट काम करता है। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। तो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कहां से निकलता है, यह थायराइड ग्रंथ के सी सेल से निकलता है, ठीक। तो दो हार्मोन का सिक्रेशन आपके थायराइड ग्लैंड से हो जाता है। यहां हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आप सभी से थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन से अधिक क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पीसीएस यूपी पीसीएस की परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को हम यहां पर टच करेंगे,
और हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपका एक भी प्रश्न क्लासरूम से बाहर किसी भी अवस्था में ना जा पाए। तो दोस्तों आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। देखते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आपसे थायरोक्सिन हार्मोन की। तो सबसे पहली बात यह है कि थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा कहां से, आखिर हमारी ये ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन कहां से बनाती है। फ्रेंड्स हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में क्या होता है, कुछ आयोडीन होता है और उसी आयोडीन से होता यह है कि हमने भोजन किया, उस भोजन का डाइजेशन हुआ यानी कि पाचन हुआ, फिर एब्जॉर्वेशन हुआ यानी कि अवशोषण हुआ। तो भोजन के अवशोषण के साथ ही कुछ आयोडीन हमारे ब्लड में पहुंचता है। अब जो आयोडीन हमारे ब्लड में पहुंचता है उसी आयोडीन से थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। तो सबसे पहली बात इस थायरोक्सिन हार्मोन में होता क्या है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन में दो चीजें होती हैं, इस बात को आप ध्यान देना। यहां जो पहली चीज होती है उसमें क्या होती है, आयोडीन होती है। आयोडीन होता है 65%, यानी हमारे थायरोक्सिन हार्मोन में 65% क्या होता है, आयोडीन होता है। और इसके बाद इसमें एक पदार्थ और होता है जिसे हम कहते हैं टायरोसिन एमिनो एसिड। टायरोसिन एमिनो एसिड यह भी हमारे थायरोक्सिन हार्मोन में होता है। अगर इसके मात्रा की बात करें तो इसका मात्रा दोस्तों कितनी होती है, इसकी मात्रा होती है लगभग 35%। तो 35% क्या होता है, यह होता है थायरोक्सिन एमिनो एसिड, यानी हमारे थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन की मात्रा 65% और इसमें टायरोसिन एमिनो एसिड होता है 35%। ठीक, तो यह हो गया आपका थायरोक्सिन का कंपोजिशन। अब इस थायरोक्सिन का निर्माण कैसे होता है, देखिए इसका निर्माण करती है थायराइड ग्रंथि। फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये हमारा ब्लड है, ठीक, ये क्या है, हमारा ब्लड है। तो सबसे पहले हमने भोजन किया, ठीक, भोजन का पाचन हुआ, फिर उसका अवशोषण हुआ और अवशोषण के बाद जो भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सब अवशोषण की क्रिया के बाद हमारी कोशिकाओं में आते हैं और कोशिकाओं से आने से पहले रक्त में पहुंचते हैं। जैसे पहले क्या हुआ, हमने भोजन किया, मैं आपको बहुत ही स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बता रहा हूं। पहले हमने भोजन किया, फिर हमने क्या किया, पाचन, इसके बाद क्या हुआ, इस भोजन के अणुओं का अवशोषण हुआ, फिर भोजन के अणु कहां पहुंच गए, फिर पहुंच गए हमारे रुधिर में अवशोषण के द्वारा, विलायी के द्वारा अवशोषण की क्रिया होती है, इस पॉइंट को जानते रहना। तो यानी कि भोजन में हमारे जो भी प्रोटीन, विटामिन, खनिज थे वो कहां पहुंचते हैं, हमारे रुधिर में पहुंचते हैं। इसका मतलब ये जो आयोडीन होता है, ये आयोडीन भी पाचन क्रिया के साथ हमारे रुधिर में आ जाता है। यानी अब हमारे ब्लड में क्या है, अब हमारे ब्लड में है आयोडीन, इसमें क्या है, इसमें है आयोडीन। तो देखिए होता क्या है, होता यह है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है यह करती क्या है, हमारी थायराइड ग्लैंड पर डे ब्लड से आयोडीन लेती है थायरोक्सिन के निर्माण के लिए। तो पर डे कितना आयोडीन लेती है हमारी थायराइड ग्लैंड्स। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन के निर्माण के लिए हमारे ब्लड से आयोडीन को लेती है और कितना, 120 ग्राम। सो फ्रेंड्स कितना होता है, ये होता है 120 ग्राम, यानी कि हमारी थायराइड ग्रंथि 120 ग्राम आयोडीन
प्रतिदिन क्या करती है, हमारे रुधिर से प्राप्त करती है, और उसके बाद पर डे 40 ग्राम आयोडीन हमारे ब्लड में भेजती भी है। यानी थायराइड ग्रंथि एक दिन में 120 ग्राम आयोडीन रुधिर से प्राप्त करती है और 40 ग्राम आयोडीन रुधिर में भेजती भी है। ठीक, तो बचा कितना? अगर 120 में 40 कम किया जाए कितना बचता है? 80 ग्राम। तो ध्यान देना, इसी बचे हुए 80 ग्राम आयोडीन से, 80 ग्राम आयोडीन से थायरोक्सिन, 80 ग्राम आयोडीन से थायरोक्सिन का निर्माण होता है। यानी जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है 120 ग्राम आयोडीन को डेली ब्लड से प्राप्त करती है और 40 ग्राम आयोडीन को डेली ब्लड में भेजती भी है, और 80 ग्राम आयोडीन जो बचा हुआ होता है उसी 80 ग्राम आयोडीन से हमारी थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया थायरोक्सिन का निर्माण। अब पॉइंट ये बनता है कि थायरोक्सिन का कार्य क्या होता है, थायरोक्सिन करता क्या है हमारे शरीर में। अगर हम थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य, ठीक, तो थायरोक्सिन हार्मोन का वर्क क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन यहां से खूब पूछता है। तो अगर हम थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो देखिए, दरअसल हमारे शरीर में कुल तीन प्रकार की ग्रोथ होती है, तीन प्रकार की वृद्धियां होती हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल। हमारे शरीर में तीन प्रकार की वृद्धि होती है, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये हमारे वृद्धि पर प्रभाव डालता है। ठीक, तो पहला इसका जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, जो पहला कार्य है वृद्धि पर प्रभाव, यह किस वृद्धि पर प्रभाव डालता है यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, शरीर में तीन वृद्धियां, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा था, जो हमारा सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन होता है वह हमारे फिजिकल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, और हमारे बॉडी में फिजिकल ग्रोथ कैसे होता है यह सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन से होता है, इसको हम जानते हैं। तो आखिर यह थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रोथ को कंट्रोल करता है या कौन सी वृद्धि पर प्रभाव डालता है? तो ध्यान देना, हमारे शरीर में तीन वृद्धियां होती हैं दोस्तों। पहली होती है फिजिकल, यानी कि शारीरिक। तो पहली होती है शारीरिक वृद्धि, दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है मानसिक वृद्धि, मेंटल ग्रोथ, और तीसरी होती है लैंगिक वृद्धि, सेक्सुअल ग्रोथ। तो ध्यान देना आप लोग, थायराइड ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो इन तीनों वृद्धियों पर प्रभाव डालती है, इन तीनों वृद्धियों पर प्रभाव डालती है। यानी इसकी कमी होगी तो शारीरिक वृद्धि प्रभावित होगी, या मानसिक और लैंगिक वृद्धि क्या होगी, प्रभावित हो सकती है। तो यह ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जो तीनों वृद्धियों पर प्रभाव डालती है। अगर इसके बाद की बात की जाए दोस्तों, इसका कार्य एक और होता है। वह कार्य क्या है? वह कार्य यह है कि शरीर में हमारी कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है। तो थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि करता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि होगी तो हमारे शरीर में क्या होगा, ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अंतिम रूप से दहन होता है, जिसमें हमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा मिलती है। तो ध्यान देना,
माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि कैसे होती है, यह होती है थायरोक्सिन हार्मोन के कारण, यह माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि भी करवाता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की वृद्धि हो जाएगी तो ऊर्जा निर्माण में वृद्धि होगी। तो दोस्तों क्या होता है, ऊर्जा निर्माण में वृद्धि होगी। इसका मतलब यह क्लियर, यह पॉइंट क्लियर है कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निर्माण में वृद्धि करता है और थायरोक्सिन हार्मोन माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि करता है, और ऊर्जा निर्माण के लिए थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, आवश्यक है। अब देखिए थायरोक्सिन एक कार्य और करता है, वह भी इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में क्या होता है, कुछ पोषक पदार्थ होते हैं, कुछ फूड स्टफ्स होते हैं, इसका कार्य होता है वसा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। यानी यह थायरोक्सिन हार्मोन वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबॉलिक प्रोसेस में भी हेल्प करता है, और इसके अतिरिक्त देखिए हमारे हार्ट बीट को तेज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि हृदय गति को तेज करता है, हृदय गति को तेज करने का कार्य कौन करता है, हृदय गति को तेज करता है। और एक पॉइंट और जो कि परीक्षा में पूछा गया है, वह पॉइंट यह है कि शरीर के तापमान का नियंत्रण, शरीर के ताप का नियंत्रण। शरीर के ताप का नियंत्रण भी थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। और दोस्तों ध्यान देना, मादाओं में क्या होता है, सेक्सुअल ग्रोथ होती है, जो कि हम जानते हैं कि वह एस्ट्रोजन हार्मोन से होती है। दोस्तों कभी कभी यह उसको प्रभावित करता है। और एक पॉइंट और, मादाओं में दूध की वृद्धि, मादा में दूध की वृद्धि, मादाओं में दूध की वृद्धि कैसे होती है, थायरोक्सिन हार्मोन से होती है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि LTH हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो दूध का निर्माण करवाता है, और ऑक्सीटोसिन ऐसा हार्मोन है जो दूध के स्राव में सहायता करता है। इतने सारे कार्य हो चुके हैं थायरोक्सिन हार्मोन के, पहला वृद्धि पर प्रभाव, ये तीनों वृद्धियों पर इफेक्ट डालता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि करता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी तो ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि ऊर्जा निर्माण के लिए थायरोक्सिन हार्मोन जरूरी है। उसके बाद यह कुछ खाद्य पदार्थों के मेटाबॉलिक क्रियाओं में भी भाग लेता है, और दोस्तों इसके अलावा यह हार्ट बीट को भी फास्ट करता है, और बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, यह करता है थायरोक्सिन हार्मोन। हमने पढ़ा है कि बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने वाला क्या होता है, हाइपोथैलेमस। देखिए एंड फ्रेंड्स, मादा में दूध की वृद्धि करता है, इसके अतिरिक्त मछलियों में जल का संतुलन भी थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा होता है। और मेंढक में क्या होता है, पहले मेंढक का बच्चा क्या होता है, टेडपोल। मेंढक का कोई बच्चा होता है टेडपोल, और जब टेडपोल उस मतलब बच्चे से जब युवा बनता, जब बड़ा बनता है, तो इस क्रिया को कायांतरण कहते हैं, ठीक, शरीर की वृद्धि में विकास कहते हैं। तो मेंढक में कायांतरण की क्रिया भी थायरोक्सिन हार्मोन ही नियंत्रित करता है। अगर किसी मेंढक को थायरोक्सिन हार्मोन लगा दिया जाए तो वह शीघ्र ही बड़ा हो जाता है, ये ध्यान देना। तो मेंढक में कायांतरण की क्रिया कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन करता है। इससे आने वाले ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखें, यहां हम बात करेंगे इसके अगले टर्म्स पर कि इसका जो है, इसकी वृद्धि से क्या हो सकता है या इसकी कमी से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से क्या हो सकता है। अगर किसी में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ध्यान देना, अभी हमने देखा था कि थायरोक्सिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो हमारी तीनों वृद्धियों, जैसे कि फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल, इन तीनों ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता है।
तो हमारे शरीर में तीन वृद्धियां दोस्तों होती हैं, ठीक। बॉडी में क्या होती है, बॉडी में तीन वृद्धियां होती हैं। देखिए यहां हम बात कर रहे हैं थायरॉक्सिन हार्मोन में कमी और किस में कमी, मान ली किसी बच्चे में कमी हो जाए तो उसकी बात कर रहे हैं। देखिए तो वृद्धि तीन प्रकार की होती है, पहली होती है फिजिकल, दूसरी होती है मेंटल और तीसरी क्या होती है सेक्सुअल। तो ये तीनों वृद्धियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि इसकी कमी से क्या हो जाएगा, इसकी कमी से तीनों वृद्धियां क्या होंगी, प्रभावित होंगी। ये तीनों वृद्धियां क्या होंगी, प्रभावित होंगी। तो अगर पहली यानी अगर किसी व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि प्रभावित होगी तो उससे क्या हो सकता है, तो ध्यान देना इससे वृद्धि प्रभावित होने से क्रिटिनिज्म होता है, ठीक। क्या होता है, क्रिटिनिज्म होता है, या इसको हम कहते हैं मानव जड़ता। मानव जड़ता कहते हैं, या इसे कहते हैं अवटु मानता, इसे हम अवटु मानता भी कहते हैं, इस बात का ध्यान देना। तो अगर किसी बालक में, अगर किसी बच्चे में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसमें क्या हो सकता है, तो उसकी तीनों वृद्धियां क्या होंगी, नियंत्रित होंगी। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो अगर पहली वृद्धि नियंत्रित होगी, ठीक, तो उससे क्या होगा, यानी अगर फिजिकल ग्रोथ, अगर अगर मान लीजिए जो पहली वृद्धि है अगर ये प्रभावित होगी तो क्या हो सकता है, अगर मेंटल यानी कि मानसिक वृद्धि प्रभावित होगी तो क्या हो सकता है, या फिर सेक्सुअल अगर ये वृद्धि प्रभावित होगी तो क्या हो सकता है। तो ध्यान देना किसी बच्चे में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से तीनों वृद्धियां प्रभावित होती हैं, जिसको जिससे होने वाले रोग को हम क्रिटिनिज्म कहते हैं, या मानव जड़ता कहते हैं, या अवटुमानता कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर शारीरिक वृद्धि प्रभावित होगी तो दोस्तों उससे क्या होगा, उससे हो जाएगा बौनापन। शारीरिक वृद्धि प्रभावित होने से क्या होता है, बौनापन हो जाता है, ठीक। और इसके बाद अगर मान लीजिए मेंटल ग्रोथ, अगर मान लीजिए मानसिक वृद्धि प्रभावित होती है तो उससे क्या होता है, मानसिक वृद्धि के प्रभावित होने से बालक कैसा हो जाएगा, वो मंद बुद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बालक, बालक मंद बुद्धि होगा। और यदि मान लीजिए सेक्सुअल ग्रोथ अगर प्रभावित होती है तो इससे क्या होता है, तो इससे नपुंसक हो जाएगा, नपुंसकता होती है। तो ध्यान, तो देखा आप लोगों ने तीनों ग्रोथ कंट्रोल होती है, तीनों ग्रोथ पर प्रभाव डालता है ये। तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में, किसी सॉरी किसी बालक में, किसी बच्चे में अगर उसकी शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बौनापन होगा। और अगर बालक में मानसिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मंद बुद्धि का होगा। अगर बालक में उसकी लैंगिक वृद्धि यानी कि सेक्सुअल ग्रोथ पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये नपुंसकता रोग हो जाएगा। हम जानते हैं कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति है तो बड़े व्यक्ति में नपुंसकता कैसे होती है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत से हार्मोन एस्ट्रोजन एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन जिम्मेदार होते हैं। लेकिन किसी बालक में, क्योंकि बालक में हार्मोन तो डेवलप हो नहीं पाते, अगर किसी बालक में नपुंसकता कैसे हो सकती है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से। अगर किसी बालक में नपुंसकता हो सकती है तो वो कैसे, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे। तो अब तक हमने देखा कि अगर किसी बच्चे में इस हार्मोन की कमी होती है तो उसे क्या होता है, क्रिटिनिज्म होता है, या उस बालक में मानव जड़ता होती है, अवटुमानता होती है। क्या हो कि यदि किसी बड़े में ये हार्मोन कम हो जाए, यदि किसी बड़े में इस हार्मोन की कमी हो जाए तो उसे क्या हो सकता है, यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं वयस्क में कमी। तो दोस्तों वयस्क में कमी से क्या होगा, अगर किसी वयस्क में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या हो सकता है। दोस्तों पहला पॉइंट देखिए, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया निर्माण में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी, और जब माइटोकांड्रिया की संख्या कम होगी तो ऐसे में ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया रुक जाएगी, और जब ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया रुकेगी व्यक्ति वर्कआउट कम कर पाएगा, व्यक्ति थक जाएगा। तो हम कह सकते हैं कमी से क्या हो सकता है, थकान हो सकती है। कमी से क्या होगा दोस्तों, थकान होगी और व्यक्ति को चिड़चिड़ापन होगा, चिड़चिड़ापन भी इससे हो जाता है। तो कमी से माइटोकॉन्ड्रिया के निर्माण में कमी, जिससे ऊर्जा कम बन पाती है, तो व्यक्ति को क्या होता है, थकान होता है या चिड़चिड़ापन होता है। इसकी कमी से वयस्क में एक इंपॉर्टेंट डिजीज होता है जिसका नाम है मिक्सीडिमा। क्वेश्चन यहां से बना हुआ है। तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से वयस्क में क्या होता है दोस्तों, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से वयस्कों में मिक्सीडिमा होता है। क्या होता है, मिक्सीडिमा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए मिक्सीडिमा ऐसी समस्या है जिसमें मांसपेशियां क्या होती, कमजोर हो जाती हैं। इसमें मांसपेशियां कमजोर होती है और दोस्तों हृदय गति क्या होती है, मंद पड़ जाती है, व्यक्ति थक जाता है, सिर दर्द होता है, शरीर में तापमान में कमी आती है। भाई जहां पर थायरोक्सिन हार्मोन तापमान को नियंत्रित करता है, तो अगर थायरोक्सिन कम होगा तो दोस्तों क्या होगा, जो मांसपेशियां होंगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी और हृदय गति क्या होगी, हृदय गति धीमी पड़ जाएगी, क्योंकि यह हृदय गति को बढ़ाने वाला हार्मोन है। तो क्या होगा, हृदय गति मंद पड़ जाएगी और शरीर का ताप क्या होगा, ताप कम हो जाएगा। जब ताप कम होगा तो उसे ठंडक का अनुभव होगा, उसे ठंडी लगेगी दोस्तों, या फिर सिर दर्द। ये सभी क्या होता है, ये सभी मिक्सीडिमा के सिम्टम्स होते हैं, मिक्सीडिमा के लक्षण होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अगर किसी वयस्क में इसकी कमी होती है तो पहली बात थकान होगी, ऊर्जा निर्माण में कमी आएगी दोस्तों, और इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा मिक्सीडिमा रोग होता है जिसमें मांसपेशियां कमजोर होंगी, हृदय गति कम पड़ जाएगी, तापमान कम हो जाएगा, व्यक्ति को ठंडक लगेगी, ठंडक का अनुभव होगा और सिर दर्द की समस्या भी इसमें हो जाती है। तो ये रहा कमी से। अब हम बात करेंगे इसकी अधिकता से क्या होता है। अगर इसकी अधिकता की बात की जाए तो थायरोक्सिन की अधिकता से, थायरोक्सिन की अधिकता से क्या होगा, एक बेसिक पॉइंट है। देखिए जब थायरोक्सिन अधिक होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होगी, बढ़ेगी, और जब माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ेगी ठीक, तो व्यक्ति में ऊर्जा निर्माण बढ़ जाएगा। जब व्यक्ति में ऊर्जा निर्माण बढ़ जाएगा तो वो अधिक कार्य करेगा। जब अधिक कार्य करेगा दोस्तों तो क्या होगा, उसके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, चेहरा उसका लाल हो जाएगा ठीक, और इसे हम कहते हैं एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, अधिकता से क्या होता है, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर होता है। आखिर ये होता क्या है, तो देखिए जब ये, जब थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ेगा तो देखिए क्या होगा, उपापचय की क्रिया भी बढ़ जाएगी, हृदय गति भी क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी, और व्यक्ति की आंखों के पास जो पुतलियां होती हैं, यहां पुतलियों में वसा का निर्माण बढ़ जाएगा, अधिक होगा वसा का जमाव पुतलियों में अधिक होगा, तो उससे जो व्यक्ति के नेत्र होते हैं, ये नेत्र नेत्रकोटर से बाहर निकल जाएंगे, नेत्रकोटर से बाहर निकल जाएंगे। अगर कमी से तापमान कम होता है तो इसके बढ़ने से क्या होगा, व्यक्ति के शरीर का तापमान दोस्तों बढ़ जाता है। तो ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर चर्चा मैं आप सभी से कर लेता हूं। तो पहला क्या होता है, इसकी अधिकता से उपापचय में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, उपापचय में वृद्धि, यानी कि प्रोटीन विटामिन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और वसा के मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी, और जब ये अधिक होगा तो हृदय गति क्या होगी, बढ़ जाएगी, हृदय गति में वृद्धि। क्योंकि कमी से हृदय गति मंद हो रही थी तो अब अधिकता से क्या होगा, हृदय गति में वृद्धि हो जाती है ठीक, हृदय गति में क्या होती है, वृद्धि होती है। और तीसरा पॉइंट क्या बन जाएगा, शरीर के तापमान में क्या होगा, शरीर के तापमान में, ताप में क्या होगा, ताप में वृद्धि हो जाएगी, और जब ताप में वृद्धि होगी तो व्यक्ति को क्या होगा, पसीना अधिक आएगा,
यानी इस रोग का लक्षण है, इसमें पसीना क्या होता है अधिक आता है, और दोस्तों ध्यान देना व्यक्ति में ऊर्जा निर्माण ज्यादा होगा तो इसमें क्या हो जाएगा बेचैनी और चिड़चिड़ापन। तो बेचैनी और चिड़चिड़ापन भी क्या होता है इस रोग का प्रमुख लक्षण है, चिड़चिड़ापन इस रोग का प्रमुख लक्षण है। या इसमें दोस्तों कुछ और भी पॉइंट बन सकते हैं, जैसे क्या होता है जो मैंने पहले बताया कि जो आंखें होती हैं नेत्र होता है वो नेत्र गोलकों से क्या होता है बाहर निकल जाता है, और इसके अलावा जब हमारी हृदय गति बढ़ेगी तो जो ब्लड होता है ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा, और जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो हमारी नाड़ी गति होती है जो वेन हमारी होती है उनकी गतियां भी बढ़ जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं में क्या होता है मेंसेस होता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म रजो धर्म। तो होता क्या है इसका सबसे बड़ा इफेक्ट दोस्तों क्या होता है कि महिलाओं में मेंसेस, महिलाओं में रजो धर्म यानी जो मेंसेस होता है मेंसेस क्या होगा वो अनियंत्रित हो जाएगा। ठीक, महिलाओं में मेंसेस क्या होगा मेंसेस अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोल हो जाएगा। तो ध्यान देना इतनी समस्याएं होती हैं इस एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर में। तो ये सब कैसे होता है, ये होता है थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से। आप देखें इसी में अगर हम बात करें तो एक और ग्वाइटर होता है जिसको हम कहते हैं सामान्य घेघा। सामान्य घेघा क्या होता है दोस्तों, सामान्य घेघा ये होता है कि जब थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है तो यहां जो थायराइड ग्रंथि होती है तो थायराइड ग्रंथि में कुछ गांठें हो जाती हैं। एक्चुअली में क्या होता है इसकी कमी थायरोक्सिन की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है जो सामान्य घेघा होता है। तो यहां जो थायराइड ग्रंथि होती है यहां पर कुछ सूजन निकल जाती है जिससे कि थोड़ा इसका आकार बढ़ जाता है। ग्रंथियों में क्या होता है स्वेलोइंग होती है और आकार बढ़ जाता है जिसे हम घेघा रोग कहते हैं। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन की सबसे अधिक कमी कहां होती है पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, क्योंकि घेघा जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक मात्रा में होता है। अगर हम बात करें पहाड़ी क्षेत्रों में घेघा अधिक क्यों होता है तो देखिए जो आयोडीन होता है वो हमें कैसे मिलता है, आयोडीन हमें समुद्र से मिलता है, समुद्री स्रोत से मिलता है, लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है वहां पर समुद्र तो होता नहीं है। इसका मतलब यह है कि मिट्टी से ही आयोडीन प्राप्त होगा, तो मिट्टी में फसलें होती उनसे आयोडीन मिलता है। तो पहाड़ों में यह होता है कि वर्षा जब होती है तो वर्षा के द्वारा आयोडीन वहां की मिट्टी से बहा करके तराई वाले क्षेत्रों में पहुंच जाता है। तो वैसे उन पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टियों में आयोडीन की कमी हो जाती है, और जब आयोडीन की कमी होती है तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा अधिकतम पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, इसको हम सामान्य घेंघा या ग्वाइटर कहते हैं। अब देखिए इस संबंधित जो है थायरोक्सिन संबंधित कुछ और भी बीमारियां हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि एक बीमारी क्या है, एक बीमारी है हाशिमोटो डिजीज। ये हाशिमोटो डिजीज क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है ये हाशिमोटो रोग। दोस्तों होता क्या है कि जब कभी हमारे थायराइड में समस्या होती है तो हम थायराइड के उपचार के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब हमारे थायराइड ग्रंथि में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम थायराइड के उपचार के लिए कुछ औषधियों का प्रयोग करते हैं, और उन औषधियों को हमारा शरीर एंटीजन मान लेता है, और उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, और वो एंटीबॉडी क्या करती है पूरा थायराइड को ही समाप्त कर देती है। तो ध्यान देना जो थायराइड में हम औषधियां इस्तेमाल करते हैं वही औषधियां, यानी जो हम थायराइड में समस्या को सही करने के लिए जो औषधियां इस्तेमाल करते हैं वही जो औषधियां होती हैं वो थायराइड ग्रंथि के नष्ट होने का कारण भी बनती हैं, क्योंकि उन औषधियों को हमारा शरीर एंटीजन मान लेता है और जिसके अगेंस्ट शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है, जिससे दोस्तों थायराइड क्या होती समाप्त हो जाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज।
इसी का नाम है ऑटो इम्यून डिजीज, और ध्यान देना इसी को हम कहते हैं सेल्फ सुसाइड डिजीज, इसी का नाम है। तो इसी को हम सेल्फ सुसाइड डिजीज भी कहते हैं और इसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं। तो दोस्तों यह रोग किसका नाम है, यह नाम है थायराइड की आत्महत्या, या इसका एक नाम और है थायराइड की आत्महत्या भी इसको हम कह सकते हैं, थायराइड की आत्महत्या। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो तीनों नाम क्या होते हैं, इसी के होते हैं, थायराइड की आत्महत्या, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। एंड फ्रेंड्स एक इससे संबंधित एक चीज और है जिससे चर्चाएं मैं आपसे करूंगा, जिसे हम कहते हैं बीएमआर। तो आइए देखते हैं क्या होता है बीएमआर। तो बीएमआर क्या होता है दोस्तों, बीएमआर जिसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जब हम विश्राम करते हैं तो उस समय हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो रही यानी बन रही ऊर्जा का नियंत्रण होता है। तो ये जो बीएमआर होता है ये विश्राम के समय ऊर्जा नियंत्रक की तरह कार्य करता है, एनर्जी को कंट्रोल करता है। यानी इस बीएमआर को क्या कहते हैं, विश्राम के समय ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला। तो ध्यान देना, थायरोक्सिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो बीएमआर को भी नियंत्रित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर क्वेश्चन बन जाए कि बीएमआर को कौन नियंत्रित करता है तो आप बताओगे थायरोक्सिन। क्लियर। तो दोस्तों आज आपने पढ़ा थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्लैंड्स। अब इसके बाद जब मिलेंगे हम लोग तो हम लोग पढ़ेंगे पैराथायराइड के बारे में। सो फ्रेंड्स आपको इससे भी अच्छी क्लास मिलेगी। अगर आपको हमारे पैड बैच ज्वाइन करने हैं तो स्क्रॉलिंग हो रहे नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है और हमारी काउंसलिंग टीम आपसे बहुत ही जल्द संपर्क करेगी और पीसीएस यूपीपीसीएस के बारे में कोई भी जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आज की क्लास के साथ इसको हम यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।